Hey students, very good evening to all of you. Dear student, today in this lecture we are going to discuss methods of preparation of hello alkanes. दो या तीन मेथड हम ऑलरेडी कर चुके हैं हेलो एल्केन्स को बनाने के लिए, जैसे अल्कोहल से कर चुके हैं, थायोनाइल क्लोराइड से कर चुके हैं, PCl5 से कर चुके हैं. तो उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए बच्चे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन. और हाइड्रोकार्बन में हम पहले बात करेंगे फ्रॉम एल्केन्स. तो बच्चे अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल हम बात करें एल्केन से मीथेन की रिएक्शन, अगर आप क्लोरीन से करवा दें, ब्रोमीन से करवा दें इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये जो रिएक्शन होती है एल्केन से जो हम बात कर रहे हैं, दैट इज अ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मींस पहले रेडिकल बनता है, वो रेडिकल क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैरी आउट करता है. तो मुझे यहाँ पर अगर हम बात करें कि शीट की फॉर्मेशन हो गई CH3Cl और साथ में जो H निकला वो यहाँ से क्या बना देगा, HCl की फॉर्मेशन हो गई. ठीक है, क्योंकि रिएक्शन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है तो रिएक्शन क्या करती है, कॉन्टिन्यूअस रहती है. लेकिन बच्चे अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने यहाँ पर रिएक्शन करी CH3CH2CH3, यहाँ पर प्रोपेन लिया, प्रोपेन की रिएक्शन मैंने ब्रोमीन से करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी. मतलब पहले क्या करेगा, ब्रोमीन से एक फ्री रेडिकल बनेगा. और रिमेंबर दिस बच्चे, जब भी फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है एक रेडिकल जनरेट होता है और एक रेडिकल कंज्यूम होता है किसी भी रिएक्शन के अंदर. तो जैसे ये ब्रोमीन है, ये क्या करता है, दो फ्री रेडिकल जनरेट करता है, क्योंकि होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होती है, आपको मालूम है होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होने से हमारे पास दो ब्रोमीन रेडिकल जनरेट होते हैं. और ये जो ब्रोमीन रेडिकल है वो क्या करता है, प्रोटोन एक्सट्रैक्ट करता है. और यहाँ से जब प्रोटोन एक्सट्रैक्ट करता है तो यहाँ पे किस चीज की फॉर्मेशन, सब्स्टिट्यूशन हो जाती है. यहाँ से क्या निकलेगा, एक H, और वो H क्या करेगा, Br के साथ निकलकर, मतलब किस चीज की फॉर्मेशन होगी, फॉर्मेशन ऑफ CH3CH2CH2 एंड Br. लेकिन बच्चे आप यहाँ पर देखिए, ये वाला ब्रोमीन भी निकल, ये वाला हाइड्रोजन निकल सकता है, ये भी हाइड्रोजन निकल सकता है और ये भी हाइड्रोजन निकल सकता है. मतलब ये प्रोडक्ट बन सकता है CH3, CH Br, CH3, ये प्रोडक्ट बन सकता है और ये प्रोडक्ट भी बन सकता है CH2Br, CH2, CH3. अगर आप देखेंगे पहला और तीसरा प्रोडक्ट तो सेम है, क्योंकि ये भी 1-bromo-propane है, ये भी 1-bromo-propane है. मतलब मैं कह सकती हूँ कि ये और ये, यानी कि कितने प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट को बनने की पॉसिबिलिटी यहाँ से है. क्यों, क्योंकि फ्री रेडिकल ये वाला हाइड्रोजन भी एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, फ्री रेडिकल ये वाला हाइड्रोजन भी एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, और साथ में क्या निकलेगा, HBr का इवोल्यूशन. ठीक है, अब आप बच्चे अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये वाला प्रोडक्ट मेजर बनता है और ये वाला प्रोडक्ट क्या करता है, माइनर बनता है. इट्स मीन दैट अगर आप फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एल्केन से करवा रहे हैं ब्रोमीन हैलोजन के साथ, तो इस रिएक्शन में एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं बनता, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनता है. ये तो मैंने सिंगल ऐसे लिया है, अगर आप ब्यूटेन ले लेंगे CH3, CH2, Br, CH3, इसकी आपने हैलोजिनेशन ब्रोमिनेशन करवाई है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. तो बच्चे यहाँ पर अगेन देखिए, यहाँ से हाइड्रोजन हटके एक ब्रोमीन यहाँ लग सकता है, यहाँ से हाइड्रोजन हटके एक ब्रोमीन यहाँ पे लग सकता है, यहाँ पर भी लग सकता है, लेकिन यहाँ वाला सेम प्रोडक्ट देगा, यहाँ वाला और यहाँ वाला सेम प्रोडक्ट देगा. इट्स मीन दैट यहाँ पर भी हमें कितने प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट बनेंगे, 1-bromo-butane और 2-bromo-butane की. मीन्स इन दिस रिएक्शन मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म. इसका मतलब ये हुआ, अगर किसी रिएक्शन में मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा तो उस रिएक्शन में बाद में हमें इन प्रोडक्ट को सेपरेट आउट करना पड़ेगा. तो बच्चे अगर मैं यहाँ से बात करूँ, एल्काइल हैलाइड को बनाने के लिए ये वाली रिएक्शन बहुत ज्यादा बढ़िया रिएक्शन नहीं मानी जाती. क्यों, क्योंकि इंस्टेड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म इन दिस फ्री रेडिकल रिएक्शन. बट समटाइम्स दिस रिएक्शन इज यूजफुल इफ यू वॉन्ट टू प्रिपेयर, क्या यहाँ से मुझे यहाँ पर क्लोरोफॉर्म बनाना है या मुझे यहाँ से अगर क्या बनाना है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनाना है. तो मुझे यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम किस चीज की बात कर रहे हैं कि दिस रिएक्शन इज नॉट वेरी यूजफुल ऑलवेज, बिकॉज इन दिस केस मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म और लेटर ऑन वी हैव टू सेपरेट दिस मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट. लेकिन दिस रिएक्शन इज यूजफुल इन केस ऑफ, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से क्या किया, फिर से मैंने यहाँ पर क्लोरीनेशन कर दिया सनलाइट के प्रेजेंस में, तो बच्चे यहाँ पे क्या बनेगा, CH2Cl2+HCl. वापिस क्लोरीन की रिएक्शन करवा दी थी सनलाइट के प्रेजेंस में, तो बच्चे क्या बन जाएगा,
CHCl3 और साथ में क्या निकल जाएगा माइनस मतलब प्लस यहाँ पर HCl। फर्दर हम रिएक्शन करवाते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन के साथ, तो यहाँ से क्या बन जाएगा CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस HCl। मींस अगर हमें मीथेन को कार्बन टेट्राक्लोराइड में चेंज करना है तो दिस मेथड इज क्वाइट यूजफुल। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन फ्री रेडिकल रिएक्शन और कॉन्टिन्यूसली होती रहेगी और फाइनली चार के चार हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होकर क्लोरीन से हमें क्या मिलेगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, अनदर वन एप्लीकेशन अगर हम इस रिएक्शन की बात करें, दूसरी क्या एप्लीकेशन है, यहाँ से क्या बनाना है नियो पेंटाइल क्लोराइड बनाना है। देखिए बच्चे, हमने एक रिएक्शन लिखी CH3CH2OH, दिस इज नियो पेंटाइल एल्कोहल। ठीक है, इसकी रिएक्शन अगर मैं HBr या HCl से कर देती हूँ, जो कि हम पहले कर चुके हैं, देखिए एक ग्रुप प्रोसेस में जो हमने किया था, यहां से मैंने HBr निकाला, तो क्या मुझे ये प्रोडक्ट मिलने वाला है CH3CH2Br प्लस H2O, क्या ये प्रोडक्ट मिलेगा हमें यहां से? तो हम कहेंगे नहीं, ये प्रोडक्ट हमें नहीं मिलने वाला। और ऐसा क्यों है कि ये प्रोडक्ट हमें नहीं मिलेगा? ऐसा इसलिए है बच्चे, क्योंकि अगर मैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखूं, हमें इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने देखा ये हमारे पास था लिप्टन मॉलिक्यूल CH2OH और साथ में क्या था हमारे पास HBr। देखिए बच्चे, फर्स्ट स्टेप में याद होगा हमने इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव कहा था, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन का एक्सट्रैक्ट करते हैं और इस तरीके से CH3CH2 और OH2 और यहाँ पर क्या पॉजिटिव चार्ज और साथ में क्या निकल गया Br नेगेटिव। और क्योंकि वॉटर यहाँ से एलिमिनेट होगा, मीन्स यहाँ पर किस चीज की फॉर्मेशन होने वाली है, फॉर्मेशन ऑफ आ कार्बोकैटायन टेक प्लेस लाइक दिस प्लस H2O और साथ में क्या है Br नेगेटिव, तो प्रीवियस प्रोसेस में निकला ही हुआ है। तो मुझे यहाँ पर देखिए आप, क्योंकि अगर आप ये देख पा रहे हैं ये 1 डिग्री हमारा कार्बोकैटायन है, क्या है ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन, और हमें मालूम है 1 डिग्री कार्बोकैटायन लीस्ट स्टेबल होता है, उससे ज्यादा स्टेबल 2 डिग्री और उससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होता है 3 डिग्री कार्बोकैटायन। इसमें दैट हमने पढ़ा हुआ 11th में, अगर 1 डिग्री 2 डिग्री में या 3 डिग्री में चेंज होता है रीअरेंजमेंट से, तो वो हमेशा रीअरेंजमेंट करेगा। मीन्स ये CH3 यहाँ पर ट्रांसफर होता है, जिसके कारण हमारे पास बनता है CH3CH2CH3 और ये बन गया हमारा 3 डिग्री कार्बोकैटायन। मीन्स 1 डिग्री कार्बोकैटायन आफ्टर रीअरेंजमेंट, या बोल सकते हो मिथाइल शिफ्ट, ऐसे क्या बोल सकते हो 1,3 मिथाइल शिफ्ट। ठीक है, और इस शिफ्ट के कारण ये टर्शियरी में चेंज हो गया। अब देखिए ये जो Br नेगेटिव आएगा बच्चे, वो Br नेगेटिव आएगा यहां पर, इट्स मीन दैट बाय द रिएक्शन ऑफ नियो पेंटाइल एल्कोहल विद HBr नियो पेंटाइल ब्रोमाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर। नियो पेंटाइल ब्रोमाइड आप यहाँ पर नहीं बना सकते, नियो पेंटाइल हैलाइड नहीं बना सकते, मतलब क्लोरीन ब्रोमीन जो भी, इट मीन दैट ये प्रोसेस तो आप यूज नहीं कर सकते, तो आप इसको कैसे बना सकते हैं? तो जो रिएक्शन अभी हम कर रहे थे, क्या रिएक्शन ऑफ एल्केन विद हैलोजन, उससे आप नियो पेंटाइल हैलाइड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो सेकेंड एप्लीकेशन क्या हुई इस रिएक्शन की, नियो पेंटाइल हैलाइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। देखिए कैसे, हमने रिएक्टेंट लिया एल्केन, दिस वन नाम हो गया 1,2,3,2,2-dimethylpropane। इसकी रिएक्शन हमने क्लोरीन से करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। देखिए बच्चे, यहां पर फ्री रेडिकल बनेगा। अब देखिए, चाहे यहां पर रेडिकल बन जाए CH2 रेडिकल, ठीक है, चाहे यहां पर रेडिकल बन जाए, चाहे यहां पर, हमेशा यहां से एक HCl निकल गए, और क्योंकि रेडिकल जो है वो लेस रीअरेंजमेंट करते हैं इन कंपैरिजन टू कार्बोकैटायन, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा Cl प्लस HCl, मींस नियो पेंटाइल क्लोराइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन ऑफ हैलोजन विद
विद दिस वन, जबकि इस प्रोसेस से आप ग्रुप प्रोसेस से नियोपेंटाइल हैलाइड्स की फॉर्मेशन नहीं कर सकते थे। तो ऐसा नहीं है कि हैलोजन के साथ वाली रिएक्शन से आप कुछ भी नहीं बना सकते, ठीक है, कई जगह पर हमें यूजफुल है, लेकिन प्रोबेबली क्योंकि इस रिएक्शन में मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनता है और लेटर ऑन इस मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स को डिस्टिलेशन से अलग अलग टेक्निक से सेपरेट करना पड़ता है, इसलिए यूजुअली अगर हम देखें लेबोरेटरी में वो प्रोसेस ज्यादा यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, ये आपको रीअरेंजमेंट को हमेशा ध्यान रखना है, कार्बो कैटायन कहीं पर भी बनेगा वो हमेशा क्या करेगा, रीअरेंजमेंट करेगा। तो मुझे रीअरेंजमेंट से हमारा जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है वो नहीं बनता, एक नया प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट मेथड्स में नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन से कर रहे हैं फ्रॉम एल्कीन्स, नेक्स्ट हम मेथड कर रहे हैं फ्रॉम एल्कीन्स, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन एल्कीन से। अब हम बात करें जैसे मैंने कहा सी, पहले हम बात करें एल्कीन्स विद हेलोजन एसिड, एल्कीन विद हेलोजन एसिड, हेलोजन एसिड हम पहले ही पढ़ चुके हैं, HCl, HBr, HI एटसेट्रा लाइक इट HF, ठीक है, किसी भी हेलोजन एसिड के साथ। तो मुझे बिल्कुल सिंपल रिएक्शन आप ऑलरेडी कर चुके हैं, फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर इसकी रिएक्शन में HCl से करवा दूं तो डेफिनेटली यहां पर क्या बनने वाला है, देखिए एक जगह H चला जाएगा, एक जगह Cl चला जाएगा और किस चीज की फॉर्मेशन होगी, फॉर्मेशन ऑफ CH3CH2Cl मींस वन क्लोरो इथेन इज फॉर्म, वन क्लोरो इथेन, ठीक है। अब देखिए अगर ये H, देखो अब की बार हमने H को इधर भेजा, Cl को इधर भेजा, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर इस स्टेज में Cl यहां चला जाए और Cl यहाँ चला जाए और H यहाँ पर चला जाए तो डजंट मैटर, क्यों, क्योंकि उस केस में भी वन क्लोरो इथेन ही फॉर्म होगा। मीन्स अगर सिमेट्रिकल एल्कीन हेलोजन एसिड से रिएक्शन करती है तो एक सिंगल प्रोडक्ट ही फॉर्म होता है, अगर सिमेट्रिकल एल्कीन किसी हेलोजन एसिड से रिएक्शन करती है तो क्या बनता है, सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म। बट अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, तो उस कंडीशन में प्रोडक्ट जो है वो चेंज हो जाता है। देखिए मुझे कैसे, हमने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस यहाँ पे हमने कहा HCl, HBr, आप कुछ भी ऐड करके देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए बच्चे हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, पहली पॉसिबिलिटी कि H यहां पर चला जाए और Cl यहां पर चला जाए, ठीक है, इसको हम A अटैक बोल देते हैं, ठीक है। सेकेंड प्रोबेबिलिटी है कि एच यहाँ चला जाए और ये सी एल यहाँ पर चला जाए, इसको हम बी बोल देते हैं। इसमें दैट एक तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा ये CH3 CH2 CH2 Cl और एक हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH3 CHCl CH3। तो जब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि इनमें से जो मेजर प्रोडक्ट बनने वाला है वो कौन सा प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो आपने प्लस वन क्लास में एक रूल पढ़ा है जिसको हम बोलते हैं मार्कोनिकोव्स रूल। अकॉर्डिंग टू दिस मार्कोनिकोव्स रूल दिस इज द मेजर प्रोडक्ट एंड दिस विल बी द माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। नीचे वाला मेजर प्रोडक्ट होगा, ऊपर वाला क्या है, माइनर प्रोडक्ट, और इस मेजर प्रोडक्ट को हम मार्कोनिकोव्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं। This product is called Markovnikov's product. समझ में आ रहा है, मेजर प्रोडक्ट। अब बात आती है कि why this product is called Markovnikov's product और Markovnikov's rule क्या होता है, या हम Markovnikov की बात क्यों मान लेते हैं, ठीक है ना। पहले मैं आपको बता रही हूँ, वैसे तो ये सब कुछ चीजें आप 11th में कर कर आते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं डिफाइन करती हूँ कि Markovnikov's rule क्या है, Markovnikov क्या कहते हैं, ठीक है। तो Markovnikov's कुछ बुक में मार्कोनिकोव्स भी लिखा होता है यहाँ पर, बट एक्चुअली मार्कोनिकोव्स होता है, मार्कोनिकोव्स। ये क्या कहते हैं, इट से दैट पॉजिटिव पार्ट यहां पर कौन है, एच पॉजिटिव, ठीक है, ऑफ अटैकिंग रिएजेंट गोज टू that carbon which have
डेट कार्बन मीन डेट डबल बॉन्डेड कार्बन, डेट डबल बॉन्डेड कार्बन, बॉन्डेड कार्बन विच हैव मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, विच हैव मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन, दैट डबल बॉन्डेड कार्बन विच हैव लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन. तो मैं वाइस वर्सा लिख सकती हूँ या फिर मैं लिख देती हूँ एंड नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन विच हैव lesser number of hydrogen, lesser number of hydrogen. ठीक है, negative part वहां जाता है जहां पर कम hydrogen हो, positive part वहां जाता है जहां ज्यादा hydrogen हो. means अगर आप मार्गोनिन की बात माने तो इस double bonded carbon में देखिए इसके पास दो hydrogen है, इसके पास एक hydrogen है, तो hydrogen वहां जाएगा जहां ज्यादा hydrogen हो. तो इसका मतलब ये hydrogen अगर यहां चला जाए तो उस कंडीशन में ये और सीएल कहाँ चला जाएगा, ये इसमें दैट ये वाला प्रोडक्ट जो बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा और उसको हम मार्कोनी को प्रोडक्ट बोलते हैं. तो अकॉर्डिंग टू हिम नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट या अटैकिंग जो भी हमारा स्पेसिस होगा वो कहाँ पर जाएगा, ऐसे स्पेस पर जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन. याद रखने के लिए हम प्रोबेबली ये याद कर लेते हैं कि हाइड्रोजन वहां जाता है जहां ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं, मतलब जहां इसके ज्यादा फ्रेंड है. ठीक है ना, देखिए इस डबल बॉन्ड यहाँ पर मत चिपका देना, कभी भी यहाँ नहीं आएगा. इस डबल बॉन्ड की पोजीशन पर एडिशन होनी है. ये कैसी एडिशन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. कैसी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. तो पहला जो एडिशन होता है वो इलेक्ट्रोफाइल का होता है, एच पॉजिटिव का एडिशन होता है. तो मुझे यहाँ पर जब एडिशन होती है तो पहले एच यहाँ पर आ जाता है, फिर बात ये आती है कि मार्कोनिक ने कह दिया कि वहां जाएगा और हमने इसकी बात मान ली. इतनी आसान बात तो नहीं है और ऑर्गेनिक इतना तो इजी कॉन्सेप्ट नहीं है कि उन्होंने कह दिया और हमने मान लिया. इट्स मीन दैट इसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक रहा होगा, मार्कोनिक ने कुछ ना कुछ ये बात सोचकर कही होगी तभी हमने उनकी बात मानी है. तो उन्होंने इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म दिया कि व्हाई दिस इज मेजर प्रोडक्ट एंड व्हाई दिस इज माइनर प्रोडक्ट, इसकी बात करते हैं बाय डिस्कसिंग द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन. तो लेट मी डिस्कस द मैकेनिज्म. ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है. 11th क्लास में भी हम ये चीज पढ़ के आए हैं कि व्हाट इज मार्कोनिक ऑफ रूल. ठीक है, तो चलिए लेट मी टॉक अबाउट मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन. देखिए बच्चे, हमारे पास था CH2, हम थोड़ा यहां से शुरू करेंगे. CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस मान लिया HBr. अब देखिए यहां पर ये जो रिएक्शन होती है बच्चे, उसमें जो पहला अटैक है मतलब कैसा है, इट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. ऐसी रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, मतलब इसके अंदर पहला जो अटैक होता है वो किसका अटैक होता है, एच पॉजिटिव का अटैक होता है. फर्स्ट अटैक किसका होता है, एच पॉजिटिव का. तो आप देखिए हम यहां पर दो शिफ्ट करके दिखा गए. अगर सीधी सी बात है, जो एच पॉजिटिव अगर किसी के ऊपर अटैक कर रहा है तो डेफिनेटली वो किस पर अटैक कर रहा होगा, किसी नेगेटिव स्पीसीज पर अटैक कर रहा होगा, पॉजिटिव पर तो नहीं कर रहा होगा. तो यहाँ पर देखिए हम कह रहे हैं अगर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ हो, इसका मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर क्या पॉजिटिव चार्ज, इसको हम बोल देते हैं ए शिफ्ट. लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इधर शिफ्ट हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है कि इधर शिफ्ट हुआ हो, इसको हम बी शिफ्ट बोल देते हैं. अगर ऐसा हुआ होगा बच्चे तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर क्या है पॉजिटिव चार्ज. इट्स मीन दैट अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, देखो वैसे अटैक तो ये ऐसे करती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लेकिन डेफिनेटली जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर अटैक करेगी स्पेसिस के ऊपर, क्योंकि डबल बॉन्ड का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस और पॉजिटिव चार्ज तो हमें दिख ही रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. मुझे यहां पर देखिए पहले मैं एक अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना रही हूं, हमने बनाया CH3 CH. अब आप मुझे बताइए पॉजिटिव नेगेटिव पे आएगा कि पॉजिटिव पर, डेफिनेटली नेगेटिव पर. इसका मतलब ये यहां पर आया तो ये बन गया पॉजिटिव और ये बन गया हमारा CH3, मतलब H कहां पर आ गया, इस नेगेटिव पार्ट पर. ऑब्वियस है पॉजिटिव कहां आएगा, नेगेटिव पर. इलेक्ट्रोफाइल कहां आएगा, न्यूक्लियोफाइल पर. तो क्या बना, यहां पर एक कार्बोकैटायन बना और ये कार्बोकैटायन है 2 डिग्री कार्बोकैटायन. ठीक है, और अगर अटैक हुआ होगा बी तरीके से, मीन्स बी साइड से, यानी कि ये जो एच है वो आया होगा यहां पर, तो हमारा बना होगा CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव.
ये बना है मुझे 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं कि 1 डिग्री कार्बोकैटायन और 2 डिग्री कार्बोकैटायन में से कौन सा स्टेबल हो सकता है, आप कहेंगे ये ज्यादा स्टेबल है, दिस इज मोर स्टेबल, और ये क्या है, लेस स्टेबल। तो ऑब्वियस डेफिनेटली ये बात हम सबको मालूम है, जो स्पीसीज जितनी ज्यादा स्टेबल होती है वो ज्यादा बनती है। इसका मतलब जो ज्यादा स्टेबल वो ज्यादा बनेगा, जो कम स्टेबल वो कम बनेगा। इसका मतलब ये वाला कार्बोकैटायन ज्यादा बनेगा, ये कम बनेगा। इसमें नेक्स्ट जो अटैक होगा वो होगा Br नेगेटिव का, तो Br नेगेटिव कहां आएगा, यहां पर। इसमें नेट प्रोडक्ट क्या बना, CH3CHBr एंड CH3। और इस केस में जब Br नेगेटिव अटैक करेगा तो बच्चे यहां आएगा Br क्या बनेगा, CH3CH2CH2Br। तो आप देखिए क्योंकि ये मेजर है तो ये भी मेजर बनेगा, ये माइनर था तो ये भी क्या बनेगा, माइनर। जो मोर स्टेबल होगा वो ज्यादा प्रोडक्ट देगा, जो कम स्टेबल होगा वो कम देगा। तो हमने मार्कोनी की बात ऐसे नहीं मानी, मार्कोनी ने ये बात प्रूव करी कि अगर ऐसे अटैक हुआ तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा विच इज मोर स्टेबल, अगर ऐसे अटैक हुआ तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा विच इज लेस स्टेबल। ऐसा नहीं है कि दोनों में से कोई एक बनता, बनते दोनों है, बट एक बनता है मेजर प्रोडक्ट और एक बनता है माइनर। अगर आपको पेपर में बोला है मेजर बनाना तो बच्चे आपको ये बनाना है, अगर आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट बोला तो ये बनाना, अगर दोनों लिखे हुए ए प्लस बी मेजर प्लस माइनर तो आपको दोनों बनाने हैं। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है इस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, मार्कोनी ऑफ एडिशन। क्योंकि मार्कोनी ने ये बात बताई थी कि हाइड्रोजन वहां चला जाता है जहां ज्यादा हाइड्रोजन, मतलब इसके ज्यादा फ्रेंड्स यहाँ पर होंगे वहीं पर हाइड्रोजन क्या करेगा, शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है, दिस इज द रीजन व्हाई वी फॉलो मार्कोनी ऑफ रूल। समझ में आ रही है, तो इस तरीके से हमें क्या मिलेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होगी। नाउ लेट मी टॉक, इसलिए ये प्रोडक्ट हमने कहा मेजर प्रोडक्ट था। लेकिन बच्चे अब आपको एक क्वेश्चन और आते थे, एंटी मार्कोनी ऑफ रूल मीन्स आपको ऐसे रिएक्शन दे दी CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr और एरो पे लिख दिया परोक्साइड, ठीक है, और आपसे कह दिया कि मेजर प्रोडक्ट बनाइए, दोनों लिख के ऐसे एरो बना दिया, तो मीन्स दोनों बनाने हैं, या आपको कह दिया कि मेजर प्रोडक्ट बनाइए, दोनों मत बनाइए मेजर बनाइए सिर्फ, ठीक है। तो अब बच्चे आप क्या देखिए, यहां पर ये ध्यान रखनी है कि अगर HBr के साथ परोक्साइड है तो जो प्रोडक्ट हम पहले माइनर बोलते थे वो मेजर हो जाएगा, जिसको हम मेजर बोलते थे उसको वो माइनर हो जाएगा। मतलब इस केस में हमारा जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3CHBrCH3, ये बनेगा माइनर, और CH3CH2CH2Br ये प्रोडक्ट बनेगा मेजर, और इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं एंटी मार्कोनी ऑफ प्रोडक्ट, एंटी मार्कोनी ऑफ प्रोडक्ट दैट इज मेजर प्रोडक्ट। और ये जो इफेक्ट है बच्चे, इस इफेक्ट को हम बोलते हैं परोक्साइड इफेक्ट, खराश इफेक्ट या एंटी मार्कोनी ऑफ रूल्स, या क्या बोलते हैं, एंटी मार्कोनी ऑफ रूल, ठीक है। मींस अगर HBr के साथ परोक्साइड होगा तो उस कंडीशन में हमें जो प्रोडक्ट पहले मेजर जिसको हम बोलते थे वो माइनर, जिसको माइनर बोलते थे मेजर, और जो एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट मेजर बनेगा, मीन्स ये आपको यहाँ पर बना के दिखाना पड़ेगा। अब फिर से क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ दिस रिएक्शन चेंज, ऐसा क्यों हुआ कि परोक्साइड डालने से ऐसा क्या चीज हो गया, क्या चेंज हुआ कि परोक्साइड ने पूरी रिएक्शन का प्रोडक्ट ही बदल दिया, जो मेजर था वो माइनर, जो माइनर था वो मेजर। तो इसका आंसर भी बच्चे हमें कहां से मिलेगा, इसका आंसर हमें मिलेगा मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। तो इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, परोक्साइड इफेक्ट। और रिमेंबर दिस परोक्साइड इफेक्ट हमेशा सिर्फ HBr प्लस परोक्साइड पर लगता है, ऐसा क्यों है उसकी भी बात करेंगे। अगर आपको यहां पर देखिए, अगर मैं HBr के साथ HCl दे दूं और एरो पे परोक्साइड दे दूं और आपको कह दूं मेजर प्रोडक्ट बनाइए, तो आप एक ये बनाएंगे और एक ये बनाएंगे। लेकिन बच्चे रिमेंबर दिस, अब यही मेजर प्रोडक्ट रहेगा और ये क्या रहेगा, माइनर प्रोडक्ट रहेगा। मीन्स यहां पर एंटी मार्कोनी ऑफ रूल के अकॉर्डिंग काम नहीं होगा, मार्कोनी ऑफ रूल
एंटी मार्कोनिक का फूल हमारा सिर्फ HBr प्लस परोक्साइड के साथ लगता है, मींस परोक्साइड इफेक्ट सिर्फ HBr के साथ वर्क करता है, HCl, HF, HI के साथ वर्क नहीं करता है। इसका क्या रीजन है वो भी हम यहाँ पर बात करेंगे जब मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। समझ में आ रही है? तो ये ध्यान रखना, अगर ऐसे वो जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए HCl के साथ परोक्साइड दे देंगे और कह देंगे मेजर प्रोडक्ट बनाइए, तो आपने ये नहीं बना देना है मेजर, यही बनेगा मेजर जो कि मार्कोनी को प्रोडक्ट है, ठीक है ना। अब की बार क्या है, मार्कोनी को प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। लेट मी डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन कि व्हाई सच टाइप ऑफ मैकेनिज्म अकर इन दिस केस। तो मुझे अगर आप मैकेनिज्म की बात करें, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने एरो पे लिया, जैसे बेंजोइल परोक्साइड ले लिया, ठीक है, C6H5 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5, दैट इज बेंजोइल परोक्साइड। अब देखिए बच्चे होगा क्या, ये परोक्साइड क्या करेंगे, ऐसे होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन करेंगे, और जब होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन करेंगे तो हमें यहाँ पर दो ऐसे फ्री रेडिकल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, इस तरीके के। लेकिन रेडिकल ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल है तो क्या करेगा, यहाँ पर देखिए, यहां से ऑलवेज रिमेम्बर दिस, एक रेडिकल कंज्यूम होता है तो दूसरा रेडिकल जनरेट होता है, ऑलवेज वन रेडिकल कंज्यूम एंड वन रेडिकल इज जनरेटेड। तो देखिए बच्चे, अगर ये वाला रेडिकल इधर आ गए, ये वाला रेडिकल इधर आ गए, क्या बनाने के लिए, डबल बॉन्ड, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहां से आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से, तो यहां पर क्या हो गया, डबल बॉन्ड। और ये बॉन्ड यहां से जो टूटेगा तो हमारे पास 2C6H5 रेडिकल और साथ में 2 मोल्स ऑफ CO2 ऑब्टेन होंगे, क्योंकि यहां से क्या निकला, CO2, 2 मोल्स है तो 2 CO2, 2 बेंजोइल रेडिकल, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या होता है, हमारे पास है HBr, HCl, HF कोई भी, और क्योंकि हमने कहा परोक्साइड इफेक्ट तो लगता ही HBr के साथ, तो HBr की बात करेंगे, प्लस यहां पर क्या है C6H5 रेडिकल। अब जो भी फ्री रेडिकल होता है बेटा, फ्री रेडिकल हमेशा फ्री रेडिकल को ही खाते हैं, मतलब उसको कंज्यूम करते हैं और नया फ्री रेडिकल जनरेट करते हैं। तो इसने क्या किया, और प्रोबेबली वो हाइड्रोजन रेडिकल को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, किसको एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, हाइड्रोजन रेडिकल। तो ये क्या करेगा, यहां से इस एच रेडिकल को ले जाएगा। अब देखिए जब ये रेडिकल को खाएगा तो एक नया रेडिकल यहां से क्या होगा, जनरेट, मीन्स यहां पर क्या बन गया C6H6 और साथ में क्या बन गया Br रेडिकल, साथ में क्या बना Br रेडिकल। अब देखिए बच्चे होगा क्या, अब कहानी यहां से शुरू होगी। ये जो इफेक्ट आया है वो आया परोक्साइड के कारण, ये था बेंजोइल परोक्साइड, टूटा, अनस्टेबल था, वापिस टूटा, रेडिकल बनाया, इस रेडिकल ने हाइड्रोजन रेडिकल को खाके खुद तो बेंजीन बन गया, स्टेबल बन गया, एक नया Br रेडिकल जनरेट कर दिया, ठीक है। अब आप देखिए, अगर मैं फर्स्ट स्टेप लिखूं रिएक्शन क्या हुई, हमारे पास है अनसिमेट्रिकल एल्गी CH3CH डबल बॉन्ड से प्लस। अब देखिए बच्चे, पहला जब हमने किया था वहां पर हमने बात करी थी किस चीज की, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की, मतलब पहले किसका अटैक है, इलेक्ट्रोफाइल का, H पॉजिटिव का। यहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री बदल गई, यहाँ पर ब्रोमीन रेडिकल यहाँ पर आ रहा है, देखिए Br रेडिकल, ठीक है। तो बच्चे अगर मैं यहाँ इसको रन कर देती हूँ, क्योंकि मुझे दो केस यहाँ पर मेंशन करने हैं। देखिए बच्चे, अगर ये Br रेडिकल, क्योंकि वहां पर H पॉजिटिव का अटैक था, यहाँ पर किसका अटैक है, Br रेडिकल का अटैक है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर ये Br रेडिकल यहाँ पर चला जाए तो ऑब्वियस है ये रेडिकल इस रेडिकल के साथ बॉन्ड बना लेगा और यहाँ पर एक नया रेडिकल ये वाला, क्योंकि बॉन्ड ऐसे टूटेगा, यानी कि यहाँ पर रेडिकल बनेगा, इसको हम A बोल देते हैं जैसे हमने पहले बोला था। लेकिन अगर ये रेडिकल देखिए यहाँ पर आए, मतलब इसके साथ बॉन्ड बनाए ये और ये मिलकर, तो यहाँ पर ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा तो ये वाला रेडिकल जनरेट होगा, मीन्स A अटैक से हमारे पास जो बनने वाला है वो है CH3CH2Br और यहाँ पर बन गया रेडिकल। ये बात तो समझ पा रहे होगा ना कि यहाँ पर रेडिकल क्यों बना है, क्योंकि देखिए जब भी बॉन्ड बनेगा वो दो इलेक्ट्रॉन से बनेगा, एक तो भैया खुद का रेडिकल लेकर आ रहा था, एक रेडिकल उसने ये ले लिया एक इलेक्ट्रॉन, तो इन दोनों ने मिलकर तो ये बॉन्ड बना दिया, और यहाँ वाला जो बॉन्ड था यहाँ पर जो था एक, उसको हमने यहाँ पर फ्री रेडिकल की तरह शो कर दिया। बी केस में क्या होगा, ये बना CH3CH2CH2 रेडिकल,
CHBr और CH2 रेडिकल, क्योंकि Br इस बार यहाँ आया है इसलिए यहाँ पर रेडिकल बना, यानी कि CH2 पर रेडिकल बना। तो बच्चे अगर आप यहाँ ध्यान देंगे, ये है 2 डिग्री रेडिकल, ये है 1 डिग्री रेडिकल, तो आप बताइए कौन सा स्टेबल होगा। डेफिनेटली 2 डिग्री का डिग्री होगा, इसमें दैट इज मोर स्टेबल, और ये क्या हुआ लेस स्टेबल। तो कौन सा ज्यादा बनेगा, यही ज्यादा बनेगा, और ये क्या बनेगा कम बनेगा, लेस है तो कम बनेगा। अब देखिए सेकंड स्टेप में हमारे पास वापस रेडिकल जनरेट हुआ है। अब इस रेडिकल में ऑब्वियस है वापस क्या करेगा, ये प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करता है, मतलब एच रेडिकल को एब्स्ट्रैक्ट करता है। वापिस कहां से, एच बी आर से, यहां पर शो कर देते हैं, ये एच बी आर से एच रेडिकल को खाता है, ये लिया और क्या बनेगा सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू बी आर। अब डेफिनेटली एक और क्या रेडिकल जनरेट हुआ, बी आर रेडिकल, यहां से एक और जनरेट हुआ, रिएक्शन फर्दर मूव करेंगे, यहां पर भी एच बी आर से एच ले लेगा, यहां पर क्या बन जाएगा सी एच थ्री और रेडिकल खत्म हो जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा ए बी आर रेडिकल। तो बच्चे इस बात को ध्यान दीजिए कि डेफिनेटली क्योंकि ये लेस स्टेबल था तो ये कम बनेगा, ये मोर स्टेबल था इसलिए ये ज्यादा बनेगा, और ये वाला प्रोडक्ट जो है वो एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट है, दिस इज एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट। तो मुझे अगर मैं बात करूं, देखिए पहला स्टेप तो है ये, दिस इज द फर्स्ट स्टेप जिसमें बी आर रेडिकल ने इस पर अटैक करना है, एक नया रेडिकल बनाना है, और सेकेंड स्टेप क्या है इस एच बी आर का अटैक करके, मतलब मैंने तो यहीं पर लिख दिया, चलो मैं इसको शो कर देती हूँ, सी एच टू रेडिकल ये भी रिएक्शन करेगा एच बी आर के साथ, तो इस रेडिकल को खा जाएगा और क्या बना देगा सी एच थ्री सी एच बी आर और सी एच थ्री प्लस बी आर रेडिकल, एक रेडिकल जनरेट, मतलब सेकेंड स्टेप में एच बी आर, एच बी आर की होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होनी है। ठीक है, अब हम आते हैं कि एच बी आर के साथ, डेफिनेटली ये मोर स्टेबल है तो ये मेजर, ये लेस स्टेबल है तो ये माइनर, और इसीलिए हमने कहा कि जो माइनर होता है वो मोर स्टेबल बनता है इन केस ऑफ एंटी मार्कोनिको फ्लूइड। ठीक है, बहुत सिंपल होता है। अब आप देखिए बात यहाँ पर आती है कि वाई एच बी आर परोक्साइड इफेक्ट इज ओनली अकर इन केस ऑफ एच बी आर। तो मुझे अगर मैं बात करूं एच सी एल एच बी आर फ्लोरीन से बात करना है, HF, HCl, HBr and HL, इन चारों की अगर हमें यहां पर बात करनी है, तो बच्चे पहले केस में HF के केस में ये जो पहला स्टेप है, दिस वन, ये जो स्टेप है ये होता है एक्सो, यानी कि दो स्टेप है, एक ये फर्स्ट और ये है सेकेंड स्टेप, दिस वन इज द सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप है एक्सो और जो सेकेंड स्टेप है वो है एंडो। इस केस में भी पहला स्टेप है एक्सो, दूसरा है एंडो, एचबीआर के साथ पहला भी एक्सो है दूसरा स्टेप भी एक्सो है, इस केस में पहला स्टेप एंडो है और दूसरा स्टेप एक्सो है। कहने का मतलब ये हुआ कि इन केस ऑफ एचएफ एंड एचसीएल ये वाला स्टेप तो हो जाता है, मतलब यहां पर 2 डिग्री और 1 डिग्री फ्री रेडिकल बन जाते हैं, लेकिन जब सेकंड स्टेप की बारी होती है, यानी कि यहाँ पर इसकी होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, डेफिनेटली फ्री रेडिकल तो कब बनेगा जब एच बी आर क्या करेंगे होमोलिटिकली टूटेंगे, लेकिन यहाँ पर सेकंड स्टेप क्योंकि एंडोथर्मिक है ये होमोलिटिकली टूट ही नहीं पाता है, अगर ये होमोलिटिकली टूट नहीं पाता है एच बी आर, हम बात करें किसकी एच एफ की, ठीक है, यहाँ पर अगर हम क्या ले रहे हैं एच एफ ले रहे हैं तो ये होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन हो ही नहीं पाती है, और अगर होमोलिटिकली बॉन्ड फ्यूजन नहीं होगी तो डेफिनेटली किस तरीके से फ्री रेडिकल को कंज्यूम करेगा, फिर तो क्या बनेगा एक कार्बोकेटाइन एक कार्बन आयन, फ्री रेडिकल तो कभी कार्बोकेटाइन को लेगा नहीं ना कार्बन आयन का लेगा, वो तो किस इसको तो क्या चाहिए फ्री रेडिकल ही चाहिए, तो इसीलिए ये सेकंड स्टेप नहीं हो पाता है यहाँ पर। सेम इन केस ऑफ एचसीएल पहला स्टेप हो जाता है, सेकेंड स्टेप में एचसीएल की होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन नहीं हो पाती है। एचबीआर के केस में पहला स्टेप भी एक्सोथर्मिक है और सेकेंड स्टेप भी एक्सोथर्मिक है, मतलब फ्री रेडिकल अटैक भी कर पाता है और एचएफ एचबीआर होमोलिटिकली टूट भी जाता है और फ्री रेडिकल भी बन जाता है। इन केस ऑफ एचआई बेटा पहला ही जो स्टेप होता है यहाँ पर आई फ्री रेडिकल का यहाँ पर अटैक एलाइली के ऊपर वही नहीं हो पाता, और ये जो आई रेडिकल होता है दो आई रेडिकल आपस में रिएक्शन करके आई टू बना लेते हैं, मीन्स पहला ही स्टेप एंडोथर्मिक होता है, दूसरा स्टेप एक्सो होने से क्या फर्क पड़ेगा जब पहला ही स्टेप यहाँ पर नहीं हो पाता अच्छे तरीके से, इसीलिए
ये तीनों की तीनों रिएक्शंस परोक्साइड की प्रेजेंस में नहीं हो पाती है, जबकि HBr परोक्साइड के साथ क्या करता है, दोनों ही स्टेप एक्सोथर्मिक करता है, इसलिए परोक्साइड इफेक्ट सिर्फ किसके केस में, HBr के केस में अप्लाई होता है। तो इस इफेक्ट को हम बोलते हैं परोक्साइड इफेक्ट, खराश इफेक्ट। खराश इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो साइंटिस्ट थे उनका नाम खराश था जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था। तो दिस इज ऑल अबाउट द परोक्साइड इफेक्ट। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अगर आपको नहीं समझ में आए प्लीज कमेंट करना और मेरे से पूछ लेना कि ये कंसेप्ट हमें क्लियर नहीं हुआ है, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन में एडिशन करें किस चीज की, हेलोजन की, मतलब एक्स टू की एडिशन। आप ये बोल सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, और डेफिनेटली यहाँ पर ये रिएक्शन होगी इसके प्रेजेंस में इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो बच्चे अगर हम यहाँ पे बात करें, देखिए सिमेट्रिक अगर हमारे पास एल्कीन है उसमें मैंने Br2CCl4 की प्रेजेंस में यहाँ पर ऐड कर दिया, तो मैं बोल दूंगी CH2 यहाँ पर Br ऐड हो गया, CH2 यहाँ पर Br ऐड हो गया, मतलब एक सिंपल एडिशन रिएक्शन है। उसकी शिफ्ट की फॉर्मेशन होगी 1,2-dibromoethane की फॉर्मेशन होगी, 1,2-dibromo। अब देखिए ब्रोमीन जो होता है बच्चे दैट इज मोनपोलर, ठीक है ना, Br2CL2 X2 जो भी होगा वो नॉनपोलर होगा डेफिनेटली, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिया, एक नॉनपोलर सॉल्वेंट। किस चीज की रिक्वायरमेंट पड़ी यहाँ पर, नॉनपोलर सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट, नॉनपोलर अटैकिंग रिएजेंट था, नॉनपोलर सॉल्वेंट ब्रोमीन CCl4। और ये जो टेस्ट हम बोलते हैं बच्चे, इसको हम बोलते हैं टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। इसका मतलब क्या है कि जो ब्रोमीन होता है बच्चे, ब्रोमीन का जो कलर होता है रेडिश ब्राउन। कैसा कलर होता है, अगर मैं इस रिएक्शन की बात करती हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, ये जो ब्रोमीन होता है इसका कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन, ठीक है। और इस रेडिश ब्राउन ब्रोमीन को हमने CCl4 में डिजोल्व करके जब इसमें ऐड किया, तो ये जो एडिशन हुई Br, एक्चुअली में तो ये एंटी एडिशन होती है, सही तो प्रोडक्ट ये होता है, यानी कि ये क्या बना, ट्रांस प्रोडक्ट बनता है, ठीक है ना, मतलब ट्रांस एडिशन है ऐसे बोल सकते हैं, या एंटी एडिशन सही बोले तो शब्द, एंटी एडिशन। अब मींस एक ब्रोमीन नीचे से आ रहा है, एक ब्रोमीन ऊपर से आ रहा है, स्पिन एडिशन नहीं होती है, एंटी एडिशन होती है। इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है और ये बात तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एडिशन ऑफ हेलोजन टू एल्कीन इज अ एंटी एडिशन। और ये जो बनता है बेटा प्रोडक्ट हमारा, ये होता है कलरलेस, ये कैसा होता है, कलरलेस, ठीक है। अब इसको हमने बोला टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, मतलब अगर आप ब्रोमीन CCl4 में डिजोल्व करके एक ऐसे अनसैचुरेटेड कंपाउंड में डाल दें जिसमें ब्रोमीन ऐड हो सकता है, तो वो सब्सटेंस किसमें चेंज हो जाएगा, ब्रोमीन का जो रेडिश ब्राउन कलर है वो डिस्चार्ज हो जाता है। अगर आपने एक कंपाउंड लिया, जैसे मान लिया मेरे पास तीन कंटेनर थे लाइक दिस 1, 2 एंड 3, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम इनमें से किस में सैचुरेटेड कंपाउंड है और किस में अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, मेरे को नहीं मालूम इसमें एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है, मेरे को कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। मैंने क्या किया, इसमें भी Br2CCl4 ऐड कर दिया, इसमें भी और इसमें भी। देखिए बच्चे जिसमें ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन कलर डिस्चार्ज हो जाएगा, डेफिनेटली उसके अंदर या तो एल्कीन है या एल्काइन है, मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। और जिसमें ब्रोमीन का कलर डिस्चार्ज नहीं होगा उसमें कभी भी आप बोल सकते हो कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड नहीं होगा। जैसे अगर मैं कह दूं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, क्या रिएक्शन होगी, नहीं होगी। इसका मतलब ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन कलर डिस्चार्ज नहीं होगा, पर्टेन करेगा। तो इसमें दैट ब्रोमीन की ये रिएक्शन हमें अनसैचुरेटेड कंपाउंड के बारे में बताती है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। समझ में आ रही है, मीन इट कैन टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ एल्काइन, एल्कीन और एल्केन, मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड कंपाउंड से डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम इस टेस्ट को यूज करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, दैट इज टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है बच्चे वो कैसा प्रोडक्ट बनता है, एंटी एडिशन से प्रोडक्ट बनता है, मतलब दिस इज नॉट सिन एडिशन, ट्रांस प्रोडक्ट। एक ब्रोमीन नीचे से आ रहा है, दूसरा ब्रोमीन कहाँ से आ रहा है, ऊपर से। और क्योंकि इस रिएक्शन, ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा होता है, प्रोबेबली 90% ऐसे चांसेस होते हैं कि एंटी प्रोडक्ट बनता है।
और इसीलिए ये रिएक्शन स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन ये क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिंक की बजाय एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, वो कौन है, एंटी प्रोडक्ट बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, इसलिए एंटी प्रोडक्ट। देखिए अगर मैं बात करूँ हाउ दिस रिएक्शन आकर मैकेनिज्म की बात करूँ कि यहाँ पर कैसे हुआ है ये मैकेनिज्म, देखिए ये था हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या था, ब्रोमीन था जो कि एक नॉन पोलर कंपाउंड है जिसको हमने CCl4 सॉल्वेंट में डिसोल्व किया हुआ है, समझ आ रही है मुझे। देखिए ये जो डबल बॉन्ड होता है वो हमेशा ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शो करता है, डबल बॉन्ड किसको शो करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, ट्रिपल और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। तो ये जो ब्रोमीन है डेफिनेटली ब्रोमीन के पास भी हमें मालूम है यहाँ पर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब इस ब्रोमीन पर ऐसे अटैक करती है तो ये इसको रिपेल करना शुरू कर देती है, क्यों, क्योंकि इसके पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जिसके कारण जब ये रिपेल करती है तो इसका इलेक्ट्रॉन इनक्लाउड इधर खिसकना शुरू कर देता है, तो इस ब्रोमीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और इस ब्रोमीन के ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, जिसके कारण यहाँ पर इनके बीच में एक साइक्लिक ब्रोमोनियम इंटरमीडिएट बनता है, मतलब इस तरीके से एक प्रोडक्ट बनता है CH2 Br and Br, ठीक है ना, CH2 Br साइक्लिक ब्रोमोनियम, ठीक है, इंटरमीडिएट। अब देखिए नीचे जब इसमें इस पर अटैक किया तो ये तो निकल गया, ये किस फॉर्म में निकला, Br नेगेटिव की फॉर्म में, किसमें निकला, Br नेगेटिव की फॉर्म में, और डेफिनेटली यहां पर क्या है, पॉजिटिव है। अब देखिए ये जो Br है डेफिनेटली ये इस तरफ से तो अटैक कर नहीं सकता क्योंकि इस तरफ तो ऑलरेडी ब्रोमीन लगा हुआ है, तो बच्चे ये क्या करेगा, हमेशा ट्रांस अटैक करेगा, अगर ये यहाँ पे अटैक करेगा ये रिंग ओपनिंग यहाँ से हो जाएगी, यहाँ पे अटैक करेगा तो रिंग ओपनिंग यहाँ से हो जाएगी, इसका मतलब ये बॉन्ड टूटेगा, ये यहाँ पर CH2Br और यहाँ से ये CH2Br, तो ये कैसी एडिशन है, इट इज एंटी एडिशन, रिमेंबर दिस, एडिशन ऑफ हेलोजन टू एल्कीन इज अ एंटी एडिशन रिएक्शन, ब्रोमीन सेम साइड से अटैक नहीं करता, अपोजिट साइड से अटैक करता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर साइक्लिक ब्रोमोनियम इंटरमीडिएट बनता है, इसलिए फ्रंट साइड अटैक तो पॉसिबल नहीं है, बैक साइड से अटैक होगा और कुछ फॉर्मेशन होगी, फॉर्मेशन ऑफ ट्रांस एल्कीन, और ये किसका टेस्ट है, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। ठीक है बच्चे, यहाँ पर आप क्या करिए, सिमेट्रिकल ले लीजिए या अनसिमेट्रिकल ले लीजिए, उससे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, वो तो एडिशन होनी है ब्रोमीन की, वो तो हमेशा क्या होगी, सेम साइड में होगी, देखो ऐसे मैंने कर दिया, मतलब सेम तरीके से होगी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, ठीक है, अगर मैं देखू यहाँ पर एक ब्रोमीन, यहाँ पर एक ब्रोमीन, यहाँ पर मीन्स डजंट मैटर, फॉर्मेशन ऑफ CH3 CH Br और CH2 Br, यूजली हम सेम साइड लिख देते हैं, लेकिन प्रोडक्ट हमेशा क्या बनता है बच्चे, एंटी बनता है, इस बात का ध्यान हमने रखना है, तो 1,2-dibromo-propane की फॉर्मेशन होगी, ठीक है, CCl4 फॉर्मिंग। लेकिन बच्चे अगर इसी रिएक्शन को आपको ऐसे दे दिया जाए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस यहाँ पर आपको दे दिया Br2 और यहाँ पर आपको लगभग 770 केल्विन या हाई टेम्परेचर ऐसे करके रिएक्शन को लिख दिया गया, गैस फेज ऐसे करके, तो उस कंडीशन में बच्चे रिमेंबर दिस, कभी भी यहाँ पर एडिशन रिएक्शन नहीं होगी, मतलब यहाँ पर एडिशन होगी लेकिन हाई टेम्परेचर पर ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, मतलब एडिशन होगी और वो रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, मतलब वापिस आपको ब्रोमीन और ये बन जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होने वाला है बच्चे, इस कंडीशन में बनने वाली है एलाइडिक प्रोडक्ट, मतलब बनने वाला है ये वाला प्रोडक्ट CH2 Br, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 मीन्स एलाइलिक ब्रोमाइड इज फॉर्म, एलाइलिक ब्रोमाइड इज फॉर्म, मतलब एलाइलिक सब्सटीट्यूशन होने वाली है और साथ में क्या निकलेगा, HBr की इवोल्यूशन होगा। तो बात आती है कि व्हाट इज द एलाइलिक सब्सटीट्यूशन एंड दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए हेलोजन की एडिशन हमने कहा सिंपल होती है, आसानी से एडिशन हो जाती है, अब हम बात करेंगे इसकी एलाइलिक हेलोजिनेशन, एलाइलिक हेलोजिनेशन, ब्रोमिनेशन, क्लोरिनेशन। तो मुझे यहां पर मैंने कहा कि अगर रिएक्शन है CCl4 के बीच में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोनों बातें, देन एडिशन होगी, ट्रांस एडिशन, एंटी एडिशन होगी, लेकिन अगर
Br2 ऐड होगा इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर, उस कंडीशन में क्या होगी हमारी एलाइलिक पोजीशन से क्या हो जाएगा ब्रोमिनेशन, क्योंकि यहाँ पर किस चीज का ये कैसा है, यहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, कैसा मैकेनिज्म होने वाला है यहाँ पर, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म अकर। अब देखिए होगा क्या, यहाँ पर हुआ कि हमारे पास था CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस हमारे पास Br2 था और Br2 ने क्या कर लिया, हाई टेम्परेचर पर फ्री रेडिकल जनरेट कर दिया, क्या कर दिया, हाई टेम्परेचर पर फ्री रेडिकल जनरेट, ये Br जो है Br रेडिकल में डूब गया, ठीक है, टेम्परेचर क्योंकि हाई था, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो रहा है। अब देखिए ये जो फ्री रेडिकल होता है बच्चे, डेफिनेटली यहाँ से तो प्रोटोन ना तो ये अपना एच रेडिकल देगा ना ये अपना एच रेडिकल देगा, बच्चे ये वाली पोजिशन तो यहाँ से क्या करता है, ये एक एच को देखो, इसको मैं ऐसे लिख दूं H2H, ये यहाँ पे अटैक करता है और एक रेडिकल को अपने साथ ले जाता है, एक रेडिकल जनरेट कर देता है, मीन एस CH2 रेडिकल CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, ठीक है, और ये जो रेडिकल है एलाइलिक रेडिकल बहुत ज्यादा स्टेबल है, क्यों है स्टेबल, क्यों, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबल आ गया, देखिए ये बॉन्ड यहां पर आ जाए, ये यहां पर आ जाए तो आप देखिए क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 रेडिकल, मीन्स ये रेडिकल क्या है, रेजोनेंस स्टेबल आ गया, तो घूम रहा है कभी इधर कभी इधर, इसमें वेरी स्टेबल। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप में बच्चे जब नेक्स्ट जो ब्रोमीन है हमारा बचा हुआ, क्योंकि देखिए ये ब्रोमीन तो क्या कर गया, यहाँ से एच ले गया, एच बी आर निकल गया, और ये जो बचा हुआ एक और बी आर रेडिकल है, वो बी आर रेडिकल यहाँ पर आकर लग जाए या यहाँ पर आकर लग जाए, बात तो बराबर है, मीन्स क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Br। अब यहाँ भी लगा सकते हैं क्योंकि ये दोनों सेम प्रोडक्ट है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बी आर इधर लगा लो या डबल बॉन्ड को इधर लगा के बी आर क्या करो इधर लगा दो, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एलाइलिक ब्रोमिनेशन। तो ये याद रखनी है कि एट हाई टेम्परेचर एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन अगर एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, हमारी सिंपल एडिशन रिएक्शन नहीं होगी, क्यों, क्योंकि एडिशन रिएक्शन रिवर्सिबल होती है हाई टेम्परेचर पर, और रिएक्शन रिवर्स होकर सेम प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। फिर आपको अगर किसी एलाइलिक हैलोजिनेशन में बच्चे ऐसे रिएक्शन आ जाए, ऐसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर देखिए बच्चे आपको एरो पे लिख दिया NBS, क्या लिख दिया NBS, तो बच्चे अगर मैं आपको बताऊं NBS क्या होता है, N ब्रोमो सक्सिनेमाइड, ठीक है, और ये N ब्रोमो सक्सिनेमाइड है एक्चुअली में ये क्या करता है, एलाइलिक ब्रोमिनेशन करता है, क्या करता है, एलाइलिक ब्रोमिनेशन मतलब एलाइलिक पोजीशन पर ब्रोमीन लगा देता है, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये सोर्स ऑफ ब्रोमीन होता है, क्या होता है ये NBS सोर्स ऑफ ब्रोमीन, ये लिटिल अमाउंट में इट इज सोर्स ऑफ ब्रोमीन, इट प्रोवाइड ब्रोमीन इन लेसर अमाउंट, सो इंस्टेड ऑफ एडिशन ये हमेशा एलाइलिक ब्रोमिनेशन करेगा। देखिए अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, ये होता है इसका स्ट्रक्चर CH2 डबल बॉन्ड CO NBr CH2 C डबल बॉन्ड O NBr, ये होता है एन ब्रोमो सक्सिनेमाइड। तो बच्चे अब प्रोडक्ट बनना है वही हमारा, मीन्स ये CH2 Br CH डबल बॉन्ड CH2 और साथ में सक्सिनेमाइड बन जाता है NCH2 डबल बॉन्ड CNH CH2 C डबल बॉन्ड O NH, मीन दिस इज सक्सिनेमाइड, दिस इज एन ब्रोमो सक्सिनेमाइड, तो क्योंकि ब्रोमीन तो इसने दे दिया इसको और H इसने दे दिया, तो ये बन जाता बेटे एन ब्रोमो सक्सिनेमाइड। तो कभी भी एरो पे NBS लिखा हुआ है या ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ है तो ये इट इज अ सोर्स ऑफ ब्रोमीन, ये दो काम करता है, एक तो Br2 प्रोवाइड करता है और एक ये HBr बनता है। यहाँ पर रिएक्शन इंटरमीडिएट अगर मैं सब मैकेनिज्म आपको बताऊं, यहाँ पर इस रिएक्शन में HBr भी बनता है, तो वो ये उस HBr को भी कंज्यूम करता है
और धीरे धीरे धीमे धीमे न्यूट्रल अमाउंट में ब्रोमीन रिलीज करता है। अगर बहुत ज्यादा ब्रोमीन रिलीज होगा तो एडिशन हो जाएगी, लेकिन ये ज्यादा अमाउंट में ब्रोमीन रिलीज नहीं करता, कम अमाउंट में ब्रोमीन रिलीज करता है, जिसके कारण एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, जिसको हम बोलते हैं एलाइलिक ब्रोमिनेशन विद द हेल्प ऑफ एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड। सिमिलरली बेटा, अगर एरो पर SO2Cl2 सल्फ्यूराइल क्लोराइड, मतलब इसी रिएक्शन में ये लिखा हुआ है और एरो पर लिखा हुआ है SO2Cl2 सल्फ्यूराइल क्लोराइड, तो क्या हो जाएगा CH2Cl CH double bond CH2, मतलब एलाइलिक क्लोरिनेशन। ये एलाइलिक क्लोरिनेशन करता है, सल्फ्यूराइल क्लोराइड क्या करता है, एलाइलिक क्लोरिनेशन करता है। तो बच्चे दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्शन ऑफ एल्कीन। देखिए वो अपने आप भी आप कर सकते हैं फ्रॉम एल्काइन्स। देखिए हमने एल्काइन किया CH triple bond CH plus, यहाँ पर Br2 की एडिशन मैंने करी, तो बच्चे डेफिनेटली एक बार क्या हो जाएगा CH CHBr double bond CHBr, और ये अगेन ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा और कैसी एडिशन होगी, एंटी एडिशन होगी। और बच्चे इसी के अंदर मैं वापिस अगर ब्रोमीन ऐड करूं, डेफिनेटली इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 करने वाली हूं, क्योंकि CCl4 की रिक्वायरमेंट यहां पर होगी, क्योंकि सॉल्वेंट है, हीट नहीं है। तो यहां पर वापिस देखिए क्या होगा, CHBr वापिस Br की एडिशन, सिंगल बॉन्ड CHBr और वापिस Br की एडिशन, यहां पर भी ट्रांस होने वाली है, लेकिन इस टाइम पे आपको पता ही नहीं चलेगा क्योंकि चार ब्रोमीन हमने ऐड किए हैं। तो इसी तरीके से अनसिमेट्रिक होगा, तो वहां पर भी सिंपल हमारी ब्रोमीन की एडिशन हो जाएगी। देखिए बच्चे एल्काइन्स में आप HBr भी ऐड कर सकते हैं। देखिए हमने ऐसे ऐड किया CH3 CH double bond CH2 प्लस हमने यहाँ पर Br2 ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। डेफिनेटली एक बार ब्रोमीन यहाँ लगा दीजिए, एक बार ब्रोमीन यहाँ लगा दीजिए, फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये हमारा एल्काइन है C triple bond CH, फिर भी एक बार ब्रोमीन यहाँ, एक बार ब्रोमीन यहाँ, ठीक है, चार ब्रोमीन लगा देना, दो इधर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें HBr की एडिशन हो, इसकी HBr की एडिशन हो, तो डेफिनेटली बच्चे यहाँ पर जो एडिशन होने वाली है वो होगी मार्कोनिक ऑफ एडिशन, मतलब H यहाँ चला जाएगा और Br यहाँ पर चला जाएगा, मिस प्रोडक्ट बन गया CH3 CBr double bond CH2। अब एक और मोल HBr का आप ऐड कर दीजिए तो भी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगी। एच कहाँ चला जाएगा, यहाँ, Br कहाँ चला जाएगा, यहाँ, मतलब CH3 CBr Br और CH3, मतलब 2,2-dibromopropane बनने वाला है। तो बच्चे दिस इज ऑल अबाउट रिएक्शन प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। तो स्टूडेंट ये सब रिएक्शन हमने मैकेनिज्म के साथ करी है बेटा, एलाइलिक हेलोजिनेशन ब्रोमिनेशन क्लोरिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाकी सभी रिएक्शन ट्रांस एडिशन जितने भी मैंने चीजें बताई वो सब काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली चीजें हैं। धीरे धीरे आप जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे मैकेनिज्म पर ध्यान दीजिए कि हाउ द रिएक्शन टेक प्लेस, अगर आप बच्चे इस चीज पर ध्यान देते हैं तो डेफिनेटली आपकी ऑर्गेनिक पर ग्रिप बढ़ती चली जाएगी। अभी हम दो तीन रिएक्शन और रहती हैं जो हम यहाँ पर करेंगे, बोरोडिन हंसरी का रिएक्शन है, उसके साथ साथ कुछ रिएक्शन है, फिंकलस्टीन रिएक्शन है, स्वार्ट्स रिएक्शन है, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि ना चाहते हुए मेरे लेक्चर बहुत लेंदी बन जाते हैं। मैं सोचती हूँ कि मैं कम बताऊँ, बट आई डोंट नो व्हाई, बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी जल्दी करवाऊँ, फिर भी मेरी लेक्चर्स की लेंथ काफ़ी बढ़ जाती है, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी है, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ऑर्गेनिक को अगर मैं बहुत जल्दी जल्दी करवाने की कोशिश करूँगी तो आपका जो बेस है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। तो बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक हैव अ नाइस डे।